तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 4 न्यू कैरेक्टर्स देने वाला हूं और इसी के साथ स्टार्टिंग में जो आपने एनिमेशन देखा है वो सिखाने वाला हूं। इन कैरेक्टर्स में आपको मोगली, एक एलियन, एक साधु बाबा और एक पता नहीं ये कौन सा कैरेक्टर है, ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। न्यू व्यूवर्स को मैं बता दूं, कैरेक्टर का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एकदम अंत तक अच्छे से देखना। और दोस्तों इन कैरेक्टर्स के साथ साथ मैं 50+ आपको कार्टून बैकग्राउंड देने वाला हूं, जिसे आप अपने वीडियो में यूज करके अपने वीडियो को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना सकते हो। तो जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों स्टार्टिंग में जो आपने वाटर इमेज वाला एनिमेशन देखा उसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को वॉकिंग मोड में रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद आपको काइनमास्टर को ओपन करना है और एक वाटर का बैकग्राउंड आपको ले लेना है। बैकग्राउंड इस तरीके का होना चाहिए दोस्तों कि जब आपका कैरेक्टर साइड से चल के जाए, वाटर के साइड से चल के जाए, तो उसका जो शेडो होता है वो वाटर में अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। जस्ट लाइक दोस्तों आप लोग इस बैकग्राउंड को देख सकते हो और इसी बैकग्राउंड को देखकर आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए। अब इस बैकग्राउंड के वाटर को देने के लिए हम लोग इफेक्ट में जाएंगे और इधर आपको एक इफेक्ट दिखने के लिए मिलेगा रिपल, आपको इसे चूज कर लेना है और इसे जितने साइड में मतलब जितने दूर तक आपका वाटर फैला हुआ है ना वो वाटर के ऊपर लेके जाके आपको पुट कर देना। इधर आप लोग इस इफेक्ट का जो स्पीड होता है उसे सेटिंग में जाके स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हो, तो आप लोग अपने हिसाब से इसके स्पीड को कम या ज्यादा कर लेना। मुझे इस क्लिप को ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, मैं इसे 10 या 9 सेकंड का बनाऊंगा, तो आप लोग भी इस तरीके से देख सकते हो कि कितना स्पीड में आपका जो है वाटर मूव कर रहा है और इसके स्पीड आप किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये सारे के सारी चीजें आप सेटिंग में जाके देख लेना। इसके बाद दोस्तों आपको हल्का सा कलर एडजस्टमेंट यहाँ में करना होगा, तो मैं यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको लेयर में जाना है और इधर आपने जो वॉकिंग मोड में जो कैरेक्टर रिकॉर्ड किया था ना उसको लेके आके इधर पुट करना है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ वीडियो को देखते रहना क्योंकि पासवर्ड जो है वो एक के बाद एक स्क्रीन पे आता जा रहा है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हो तो हो सकता है कि आपसे पासवर्ड मिस हो जाए। उसके बाद आप लोगों में से बहुत लोग आके कमेंट में मुझे कहते हैं कि पासवर्ड जो है वो रॉन्ग था। एक्चुअली में पासवर्ड रॉन्ग नहीं होता है दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो इसलिए आपको पासवर्ड पता नहीं चलता अच्छे से। तो मैंने इस वाले कैरेक्टर को वॉकिंग मोड में रिकॉर्ड किया था, अब इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है और इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग वीडियो को देखते हैं, कैरेक्टर्स को डाउनलोड भी करते हैं पर या लाइक नहीं करते आप। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मैं इतने टाइम से आप लोगों को कैरेक्टर वगैरह बना के दे रहा हूं और इसके लिए आप लोगों को कुछ भी चार्ज या कुछ भी पे नहीं करना होता है, सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको फ्री में मिलते हैं। तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। अभी बहुत सारे भाई लोग जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, मैंने रिसेंटली कुछ कमेंट्स को पिकअप किया है। आउट ऑफ कंट्री जितने भी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब वीडियो में फोकस करते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, की फ्रेम का यूज करना है और इस कैरेक्टर को वॉक कराकर आगे की ओर लेके जाना है। अगर आप लोग काइनमास्टर चलाते हो तो आपको तो इतना तो पता ही होगा की फ्रेम को किस तरीके से यूज किया जाता है, और अगर नहीं पता तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो तो आप लोग इजिली समझ जाओगे, बहुत आसान होता है। अब जो है हमारा कैरेक्टर वॉक करते हुए आगे की ओर जा रहा है और हमें अब क्या करना है, इसका जो रिफ्लेक्शन है इसे वाटर में दिखाना है। ठीक है, देखो आप लोग दो तरीके से रिफ्लेक्शन को दिखा सकते हो, मैं एक एक करके दोनों तरीका दिखा देता हूँ, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करना। तो अब दोस्तों रिफ्लेक्शन देने के लिए हमको क्या करना है, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको डुप्लीकेट बना लेना है। ठीक है, इधर आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा, उधर क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट बना लेना और इसे रोटेट एंड मिररिंग में जाके उल्टा कर लेना। आप लोग ध्यान से देखते रहो, मैंने यहाँ पे एरो देके भी दिखाया कि किस तरीके से आपको जो है कौन से बटन को किस तरीके से यूज करना है। तो इधर क्या करना है, आपको ये जो आपने डुप्लीकेट जो बनाया है ना इस कैरेक्टर को आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा जो है वो रिफ्लेक्शन इतना बड़ा होता नहीं है किसी भी कैरेक्टर का। ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा सा रियल लुक देने के लिए इसे थोड़ा छोटा करना होगा। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे एज इट इज आप लोग फॉलो करते रहो तो आपका भी ये रिफ्लेक्शन एकदम परफेक्ट बनेगा। की फ्रेम हमने यूज किया था पहले ही तो ये कैरेक्टर जो ऊपर चला गया, तो हमें क्या करना है, इसे धीरे से नीचे ड्रैग करते हुए लाना है और इसे थोड़ा सा साइज में छोटा कर देना है। ठीक है, और अगर आप इसे अच्छे से सेट करने के बाद, अच्छे से सेट करना दोस्तों, इसके पैर के साथ पैर मिला के सेट करना, नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका एनिमेशन बिगड़ जाएगा। सो सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद अगर आप लोग इस क्लिप को प्ले करते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखोगे। इसे प्ले करने पर अभी थोड़ा अटक अटक के चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे काइनमास्टर में बहुत सारा फाइल ऑलरेडी लोड हो चुका है, तो आप लोग इसे एक बार एक्सपोर्ट कर लोगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे वाले कैरेक्टर पे क्लिक करना है और इधर स्लाइड करते हुए नीचे आना है, इधर अल्फा ओपेसिटी दिख रहा होगा, इधर आपको ओपेसिटी को कम करना है। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो इसका ओपेसिटी जो है 25% आप रख देना। तो अब आपका क्लिप ये बनके तैयार हो चुका है। इधर थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करते हैं और एक मैं जो स्टार्टिंग में आपको बोला था
कि इधर दो तरीके का एनिमेशन आप दिखा सकते हो, ठीक है, दो तरीके का जो वाटर इमेज आप लोग दिखा सकते हो। तो मैं अब सेकंड इफेक्ट को दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहना। पहला इफेक्ट में जो है आपका कैरेक्टर नॉर्मल इस तरीके से पानी में रिफ्लेक्शन के साथ चलता जाएगा, और जो सेकंड इफेक्ट है ना उसमें आपको क्या करना है आप लोग ध्यान से देखें। सेकंड इफेक्ट में आपको जो रिपल आपने इफेक्ट दिया था ना, इसे लेफ्ट साइड में 3 डॉट में क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो आपने पानी में जो कैरेक्टर ऐड किया उसके ऊपर आपका वो रिपल वाला इफेक्ट आ जाएगा, इससे आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।